नगर निकाय चुनाव में जनवाणी की विशेष मुहिम दावेदारों का दमखम में आज हम बात करेंगे शामली नगर पालिका परिषद की और इसमें जो शिक्षाविद हैं पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं CBSE संस्थाओं की प्रमुख संस्था सहोदय के अध्यक्ष हैं श्री यशपाल पंवार जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे अगर भाजपा हाईकमान ने उन पर भरोसा किया और सीट OBC में आती है तो वे जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, शहर उनकी नज़रों में क्या प्रमुख समस्याएं हैं शहर की और क्या विकास के रूप में वे देंगे जनता को और किस तरीके से जो है ये पालिका चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे। पंवार साहब, अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आरक्षण मन माफी का आता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आपकी नज़रों में क्या समस्या है, विकास को कैसे कर पाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं जनवाणी न्यूज़ का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने सवाल उठाए हैं नगरपालिका परिषद शामली के बारे में, नगरपालिका शामली अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नगरपालिका है। यहाँ पहले से ही विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव होते रहे हैं। उन्हीं विकास को आगे बढ़ाने के लिए मेरा मन है, जो मैंने भारतीय जनता पार्टी की पिछले 32 सालों से सेवा की है, ईमानदारी के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी के 17 चुनाव लग करके लड़वाए हैं और अब तक 32 सालों से विभिन्न पदों पर रह करके पार्टी की सेवा, पार्टी को अपनी मां मानते हुए की है। विकास के लिए जो नगरपालिका के मुख्य कार्य होते हैं, व्यवस्थित पानी की व्यवस्था और रात्रि में लाइट की व्यवस्था, शहर में जाम की व्यवस्था, जन समस्याओं का निस्तारण, जो पैसा सरकार के द्वारा इस नगरपालिका को दिया जाता है उसको ईमानदारी के साथ एक एक पैसा विकास कार्यों में लगे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरे जीवन में सब लोग जानते हैं, ईमानदारी से चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, समाज सेवा का क्षेत्र रहा हो, धार्मिक क्षेत्र रहा हो, कोई भी पक्ष रहा हो, मैंने समाज की ईमानदारी से सेवा की है। नगरपालिका में चेयरमैन बनने के बाद अगर मुझे पार्टी ने ये अवसर दिया तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाकर के मैं इस पद को सुशोभित करते हुए जन सेवा का कार्य करना अपनी प्राथमिकताओं में रखूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के सौजन्य से जो हमारे क्षेत्र का विकास वो बाईपास के रूप में और हाईवेज के रूप में हो रहा है, इसके अंदर जो शामली बनने वाली है, ये कुछ दिनों बाद एक अद्भुत शामली होगी। इस अद्भुत शामली को बहुत सुंदर, सुचारू, व्यवस्थित, जाम मुक्त, भय मुक्त बनाने में मेरा जो योगदान होगा, जो सरकार के एजेंडा है, उन सरकार के एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कार्य करूंगा और जनविश्वास जीत करके सभी का सहयोग करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। मैं सभी से अपील करूंगा कि निश्चित रूप से अपने शहर के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व को आप चुनेंगे, चाहे वो मैं हूं या जो भी हो, जिसको भी पार्टी अपना सिंबल देती है उस सिंबल की कदर हमेशा की जाएगी। ये थे हमारे साथ यशपाल पंवार जी, शिक्षाविद, दावेदारों का दमखम में जनवाणी की जो विशेष मुहिम है, इन्होंने अपनी प्राथमिकताएँ नगर पालिका परिषद शामली के चेयरमैन के रूम में गिनाई हैं। जनवाणी न्यूज़ के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।